चुका हूँ, तो सबसे पहले 13 दीपक जला दीजिए। धनतेरस के दिन 13 दीपक का विधान है। 13 दीपक जलाकर आपकी जो तिजोरी है उस तिजोरी में कुबेर का पूजन करना चाहिए। देव कुबेर का ध्यान करते हुए भगवान कुबेर को पुष्प अर्पण करने हैं, उनका ध्यान करना है और कहना है कि हे श्रेष्ठ, विमान पर विराजमान रहने वाले, गरुड़ मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा धारण करने वाले, वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र देव कुबेर का मैं ध्यान करता हूँ, उनका आह्वान करता हूँ। उसके बाद में धूप दीप नैवेद्य से भगवान कुबेर का षोडश उपचार पूजा करें, चाहे तो पंचोपचार पूजा भी कर सकते हैं। निम्न मंत्र का जाप करें जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देही दापय स्वाहा। पुनः इसका उच्चारण सुन लीजिए इस मंत्र का। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देही दापय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने आपकी तिजोरी जो है पूरे वर्ष धन से भरी रहेगी, जेवरातों से भरी रहेगी। पूजन करने के साथ साथ सात धान्यों की भी पूजा की जाती है। सात धान्य कौन कौन से हुए? गेहूं हुआ, उसमें उड़द हुआ, हरे मूंग हुए, चना हुआ, जौ हुआ, चावल हुआ और मसूर हुआ। सात धान्यों के साथ में पूजन सामग्री में विशेष रूप से स्वर्ण पुष्पा के पुष्प से माँ लक्ष्मी का, माँ भगवती का पूजन करना निश्चित तौर पे दरिद्रता को खत्म करता है, दुर्भाग्य को खत्म करता है। भोग लगाने के लिए नैवेद्य के रूप में श्वेत मिष्ठान का प्रयोग किया जाना चाहिए। सफेद रंग की मिठाई माता रानी को, भगवान कुबेर को अर्पण करना चाहिए। धनतेरस के दिन स्थिर लक्ष्मी का पूजन करने का विशेष महत्व है। स्थिर लक्ष्मी ध्यान रखिए। धन त्रयोदशी के दिन जो है वो यमदेव की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ एक ऐसा दीपक जो आपको लगाना है जिसकी जो बत्ती है वो दक्षिण दिशा की तरफ देखती है और पूरी रात्रि जले। उस दीपक में कुछ एक रुपए का सिक्का डाल सकते हैं और एक कोड़ी अवश्य डालिएगा, बाजार में आपको मिल जाएगी। निश्चित तौर पर यमदेव प्रसन्न होते हैं और आपके घर में अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। धनतेरस के दिन धनवंतरी यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करके आप उसके नित्य यदि पूजा करें तो आपके घर में कभी भी बीमारियों का वास नहीं रहेगा। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी जो काया है वो हमेशा निरोगी।